गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है मेरा वीक ऑफ। आप सोच रहे होंगे कि वीक ऑफ है और यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। एक्चुअली मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। मेरा नाइट शिफ्ट था, कल 8 बजे गया था और आज 6 बजे खत्म हुआ। तो अभी बाइक चलाते समय इतना नींद आ रहा था कि चाय पीने के लिए रुका हूँ। चाय पीऊँगा और घर जाऊँगा, उसके बाद थोड़ा देर पावर नैप लूँगा। और आज भी बहुत सारे काम है, वो क्या है मैं धीरे धीरे कम्प्लीट करते करते बताऊँगा, पहले से नहीं। तो फाइनली रीच्ड होम। अभी के बज रहे हैं 7:20। 6 बजे तक शिफ्ट था, पर 6:20 में निकल के काम था, काम का मिशन था। तभी घर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर से एक बार एक कप चाय पीऊँगा, उसके बाद जाके सोऊँगा। हे गाइस वेलकम बैक। मेरा नहाना हो चुका है। उस नहाने के बाद जो शांति मिलती ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब नहाने के बाद मैं पीऊँगा एक गरम गरम नींबू पानी, उसके बाद चाय और सो जाऊँगा। आज सारा जिम्मेदारी शशि का है, क्योंकि मम्मी नहीं, मम्मी घूमने गई है, अभी भी सो रही है, छोटू पढ़ाई कर रहा है और पापा भी नहाने गए हैं। तो ये रहा मेरा गरम गरम नींबू पानी। नींबू से याद आया कि हम नींबू यूज़ करते हैं दूध फाड़ने के लिए, नींबू यूज़ करते हैं सलाद में, पर अब ना हर जगह सोच सोच के नींबू यूज़ करना पड़ा, क्योंकि पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा नींबू हो चुका है। मतलब कोई मतलब है भाई, गर्मी में इतना महंगा सोच। पर जहाँ मैं 2 नींबू डाल के पीता था, वहाँ मैं अब 1 नींबू डाल के पी रहा हूँ, इतना महंगा हो गया। एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो यूट्यूबर्स। हे गाइस वेलकम बैक। चाय पानी सब कुछ हो चुका, अब मेरे को आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद। अब मैं 2-3 घंटा का पावर नैप लूँगा, उठूँगा, उसके बाद अपना बाकी का काम करना शुरू करूँगा। तब तक के बाय। हे गाइस वेलकम बैक। अभी के बज रहे 12:30 और मैं अभी सो के उठा हूँ। अब सो के जब उठो ना और कुछ खा के रखो ना, तो बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। तो मैं अभी बस उठते ही बोला कि शशि कुछ खाने का, तो शशि ने मुझे दही दिया क्योंकि खाऊंगा, क्योंकि अभी नाश्ता करूँ तो उसके बाद फिर 1 घंटे बाद खाना खाऊँ तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो दही भाई हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ, एक बार मैं सिर्फ खाने बैठूँगा। मैं जब सो रहा था तो शशि बाजार खाना वाना सब कुछ बना लिया, बस अब हम सब मिल के खाएंगे, गुड़िया नहा लेगी। उसके बाद शशि तुम कब गए बाजार, मेरे को तो पता भी नहीं चला। मैं तो बस सोए जा रहा था, कुछ पता मेरे रूम में कोई आया था पोछा मारने के लिए, मेरे को कुछ भी नहीं पता चला। गाइस मैं अभी एकदम बेहोशी की हालत में सो रहा था, क्योंकि रात पर ज़्यादा था। सॉरी ये अवॉइड करिएगा। बाजार गई तो बाजार से मेरे लिए क्या लाई? तो भिंडी बनाए क्या अभी? यस ग्रेट सक्सेस। हे गाइस वेलकम बैक। अभी के बज रहे हैं 2 और फाइनली लंच रेडी है। जब नाइट शिफ्ट हो ना तो 2 बजे 1 बजे तक तो सोने में और लंच करने में चले जाता है, क्योंकि आप आके जब सोते हैं सोने के बाद 12 बजे उठेंगे, 12 बजे के बाद फिर थोड़ा सा मोबाइल देखेंगे, घर में जो है उससे बात करेंगे, और करते करते 2 बज जाता है फिर खाने बैठेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आता है, उसके बाद फिर जाके कुछ प्लान जो होता है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। फाइनली खाना में है, आपको पता ही था, भिंडी है, आलू का भुजिया, चावल पराठा और मेरा फेवरेट दाल और विद फैमिली, और इससे ग्रेट सक्सेस क्या हो सकता है। वेलकम बैक। लंच फंच हो चुका है और अभी के बज रहे 3 और 1 घंटे बाद मैं रेडी होकर निकलूँगा, जाके अपने पहले फ्रेंड को लूँगा और उसके बाद फिर से वही डॉक्टर के पास जाऊँगा जो मैं 1 हफ्ते पहले गया था। तो वहाँ जाने का रीज़न ये है कि जैसे कि हमने पहले अपना हेल्थ चेकअप करवाया था, उसने 3-4 रकम के टेस्ट दिए थे, वो टेस्ट किया, वो टेस्ट के जब रिपोर्ट्स आए तो उसको EGCA में अपलोड किया, उसको डॉक्टर ने देखा है, डॉक्टर ने देखा कि बोला कि हाँ आप दोनों एकदम फिट है। तो अब मैंने पूछा कि उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा, मैं यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा और वहाँ अप्रूव करूँगा और आपसे डिक्लेरेशन साइन कराऊँगा। तो भाई साहब अभी बज रहे 4:40 और 5 बजे पहुँचना था और मैं भयंकर लेट हूँ, मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी फटाफट जाएंगे, फ्रेंड को लेंगे, उसके लैपटॉप में काम करेंगे, मेरा यहाँ कुछ इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है, वो फटाफट सल्टाएँगे और पहुँचेंगे डॉक्टर के पास। आज भी लग रहा है 5:10, 5:15 हो जाएगा। तो हम निकले थे अपने फ्रेंड को लेके 5:20 में और यहाँ पहुँचे 6:00 और अभी बज रहा है 6:50। बहुत लंबा प्रोसेस है, रिपोर्ट से आने के बाद भी डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, फिर अपने साइड से हर एक एक चीज़ इनपुट करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं। एज़ पर डॉक्टर हम दोनों फिट हैं, अब हम लोग क्लास 1 के लिए जा सकते हैं। अब क्लास 1 के लिए हम लोग दिल्ली जाएंगे कि बैंगलोर की जरूरत, वो डिसाइड नहीं किए, पर डिसाइड जल्दी कर लेंगे, क्योंकि एज़ पर डॉक्टर जितना जल्दी करे उतना हमारे लिए अच्छा है।
अभी चलते हैं कहीं पर, खाते पीते हैं कुछ हल्का फुल्का, उसके बाद घर चलते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, मैं घर जाके फिर पढ़ाई करूँगा। फाइनली रीच काकुड़ गाची VIP मार्केट के पीछे, और यहाँ पर खाने का फूड स्टॉल बहुत सारा है, और यहाँ पर फेमस है, मेरे को जो पसंद है बचपन स्कूल टाइम से, ब्रेड ऑमलेट विद चीज़, हम लोग वही खाने आए हैं, और आज फिर देखते हैं कि वही टेस्ट है कि नहीं। शांतनु पहली बार ट्राई करने जा रहा है यहाँ का ब्रेड ऑमलेट विथ चीज। भाई खा के बता के अंदर है, उसे मेल्ट करके बनाया। बस मस्त है ना भाई, अपुन का चॉइस हमेशा मस्त होता है, वो भी खाने पीने में, तो मैं भी खाता हूँ, खा के फिर आपसे घर पे मिलता हूँ। हे गाइस वेलकम बैक, अभी बज रहे हैं 8:50 और मैं घर आ चुका हूँ। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब मैं नहाने जाऊँगा, और नहाने के बाद देखते हैं कि सब घर पे क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ पापा नहीं है, मम्मी तो घूमने गई है, शशि है, छोटू है, गुड़िया है, गुड़िया छोटू तो पढ़ाई कर रहे होंगे, शशि खाना बना रही होगी, लेकिन खाना क्या बना रही है वो मैं ज़रूर देखने जाऊँगा। हे गाइस वेलकम बैक, अभी मैं नहा के आया हूँ, अब नहाने के बाद मैं सबसे पहला काम करूँगा 3 ग्लास पानी पीऊँगा, उसके बाद जाके मुझे शांति मिलेगा। और मैंने तो बोला था कि छोटू गुड़िया पढ़े, शशि जो है खाना बना रही, चावल पसार रही है, और जो स्मेल समझ में आ रहा है शायद काला दाल मतलब तड़का दाल बना, और यस मेरा अंदाज़ा सही है, तड़का दाल ही बना है। ओ वाओ, एक ग्लास पानी जैसे ही ख़त्म हुआ तो शशि ने कहा कि ठेकुआ खा लो, ठेकुआ पड़ा हुआ है, वो अभी तक खाए नहीं हो, तो मैं बोला कि हाँ ये भी बात है, फिर छठ पूजा गया और ठेकुआ ना खाया, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये रहा मेरा पहला ठेकुआ। तो भी बिहार यूपी वाला ना, मैं नहीं खाया, पहला खाया हूँ। अभी की बज रहे हैं 9:05 और मेरा हल्का फुल्का खाना हो चुका है, बाहर भी हल्का फुल्का खाया था और यहाँ भी आके 2 ग्लास पानी और 1 केक को खा लिया। अब रात को 10 बजे सीधा खाना खाऊंगा, और तब तक के लिए बैठ के जो पूरा दिन किया हो रिकॉर्ड उसको एडिट करूँगा, और उसके बाद जब तक खाना के लिए बुलावा नहीं आएगा यहाँ से उठूँगा नहीं, खाऊँगा, ब्लॉग की एंडिंग करूँगा और कल सुबह ब्लॉग डाल दूँगा 8 बजे तक। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और खाना का बुलावा आ चुका है, तो मैं खाने जा रहा हूँ और इस ब्लॉग में यही कर रहा हूँ एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा के, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच। मेरा क्लास 2 क्लियर कर गया, जिसने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट है क्लास 1, वो कहाँ जाके करते हैं वो तो डिसाइड करेंगे, और जब डिसाइड करेंगे तो वो आपको बताएंगे, और जहाँ जाएंगे वो तो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक आप में ज़रूर मिलेंगे।